हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सीक्वेंस। और मैं आपका दोस्त अंशुल। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फेसबुक पे अपना एक पेज बना सकते हैं और उस पेज को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, या कैसे हम उस पेज को अपने बिजनेस के लिए कन्वर्ट करके और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करके, मान लीजिए हम शॉपिंग का पेज बनाना चाहते हैं, या हमारा कोई पर्सनल कोई भी ब्लॉग है, या किसी तरह का इवेंट है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है हमारी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका हम यूज़ करके एक फेसबुक के ऊपर अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उस पेज को हम प्रमोट कर सकते हैं या अपने बिजनेस सूट का यूज़ करके उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि हम बहुत ईजिली फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज क्रिएट करके और उसको एज अ बिजनेस पेज में कन्वर्ट करके हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जो जो पॉसिबल हैं। मतलब फेसबुक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी कितनी चीज़ें, कितने प्रोडक्ट्स, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो है लोग बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा मैं, जिसके थ्रू आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर और अपना अपने लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और प्रमोट करने का भी तरीका बताऊँगा और बिजनेस सूट का भी तरीका बताऊँगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने अपने एक पेज में लॉग इन किया हुआ है। तो टेक सीक्वेंस का एक मेरा ये पेज बना हुआ है। मेरे एक्चुअली दो अकाउंट्स हैं, एक ऑफिशियल मेरा जो टेक सीक्वेंस का है वो डिफरेंट है, बट ये मेरा पुराना अकाउंट था। इसके ऊपर भी मैं अपने वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ जो मेरे रीसेंट वीडियोस हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग वो वीडियोस भी देखें। उसके अंदर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की हुई है अपने चैनल से रिलेटेड, तो काफ़ी नया कंटेंट जो है मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया है, तो आप लोग वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे आप देखिए कि ये पेज का जो टेक सीक्वेंस का जो पेज है वो उस पर मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पर ये थ्री डॉट्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस थ्री डॉट्स पे हमें क्लिक करना है। उसको क्लिक करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये जो पेज बनेगा ये सिर्फ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, और किस तरीके से आप अपना दिमाग लगा के अपने पेज को रीडिज़ाइन या डिज़ाइन कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। बट इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो टोटली मैं अपने अपने स्किल्स के ऊपर या मैं अपने फील्ड से रिलेटेड ही दूंगा। आप उसको अपनी फील्ड से कैसे मैचअप कर सकते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्रिएट पेज। तो इस तरीके से हमें एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि ये अभी ब्लैंक है, यहाँ पर हमें सारी कैटेगरीज को, सब चीज़ों को फिल करना होगा। हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो पेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जैसे अब मैं सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही काम सारा करता हूँ, तो ट्यूटोरियल्स हो गए, टिप्स होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी लाइन से रिलेटेड ही आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूँ। तो जैसे अब मैं इसके अंदर लिखूंगा सोशल, तो मैं इसमें लिखूंगा सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया कंपनी। तो एसएमसी कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी के नाम से मैं इस पेज को क्रिएट कर रहा हूं। कैटेगरी के अंदर दोस्तों हम लोग अब टाइप करेंगे, जैसे हम टाइप करेंगे इसके अंदर बहुत सारी वो हमें कैटेगरीज देगा। तो जैसे मैं अब सोशल लिखूंगा तो देखिए आपके सामने ये अभी पूरा कंप्लीट लिखा नहीं उसने, पहले ही मेरे को इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस देने शुरू कर दी हैं कैटेगरी के अंदर। तो मैं सोशल मीडिया एजेंसी इसको सिलेक्ट करूँगा। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस को भी चूज़ कर सकते हैं, डिजिटल लिखते ही डिजिटल क्रिएटर, कंप्यूटर कंपनी, काफ़ी सारी ऑप्शन है। उस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो कंपनी से रिलेटेड कीवर्ड है या ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिजिटल क्रिएटर भी इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोग अपना डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्या नीच है, उस नीच के अकॉर्डिंग आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसमें। फिलहाल के लिए मैं इसमें लिख रहा हूँ दिस पेज is all about social media management tips and tools,
ठीक है। मैंने अभी जस्ट जो मेरे दिमाग में आया मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, मैंने कुछ ज़्यादा इसमें सोचा नहीं। तो दोस्तों जैसे आप देखिए कि यहाँ पर हमने जो भी लिखा है उसके चेंजेस यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनी लिखा है, सोशल मीडिया एजेंसी जो हमने कैटेगरी चूज़ करी थी वो यहाँ पर आ गया है। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा पेज क्रिएट हो गया। देखिए द सोशल मीडिया कंपनी वॉज क्रिएटेड। तो अब इसके नीचे और भी ऑप्शंस अब उन्होंने अनेबल कर दी हैं कि जैसे मान लीजिए हम इसके अंदर कोई अपनी प्रोफाइल फ़ोटो डालना चाहते हैं, हमारे पास कोई लोगो ऑलरेडी बना हुआ है, या हम कोई कवर फ़ोटो डालना चाहते हैं, हमारे पास कोई कवर फ़ोटो जो ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये हम सब इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर ना इसने एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी हुई है कि हमें पिक्सल साइज़ भी बताया हुआ कि इतने बाय इतने पिक्सल का आप लोग जो है प्रोफाइल फ़ोटो डालेंगे और इतने बाय इतने की आप इसके अंदर कवर फ़ोटो डालेंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एक आप लोगों को गाइडलाइन दी हुई है कि इससे ज़्यादा इससे कम वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो में एक चीज़ आपको और बहुत इंटरेस्टिंग बताऊँगा कि मैं थोड़ा सा आपको डिज़ाइनिंग का पार्ट भी टच करूँगा ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि अगर इनकेस आपके पास लोगो या प्रोफाइल पिक्चर या कवर फ़ोटो नहीं है तो उसको आप किस तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा कैनवा, ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर आजकल चल रहा है, तो काफ़ी लोग काफ़ी क्रिएटर्स जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में फिर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे इस टाइम डिस्कस करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम कैनवा का यूज़ करके हम किस बहुत इजीली प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर को बना सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन का बटन बना हुआ है, ठीक है, कस्टम साइज पे हम जाएंगे 180x180 पिक्सल, क्रिएट पे क्लिक किया, इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करते ही मान लीजिए मैं इस वाले इमेज को ले रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट जो टेम्पलेट्स फ्री होंगे और अगर हमने मेंबरशिप नहीं ली हुई तो हम उन्हीं का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो फ्री नहीं हैं उनके आगे यहाँ इस तरीके से आपको प्रो दिखाएगा। तो अभी मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसमें लिखूँगा सोशल मीडिया कंपनी, ठीक है, जो मैंने अभी पेज का नाम दिया हुआ है, और सिंस 2021। तो ये तो एक रैंडम सा मैंने डिज़ाइन ले लिया। अब इसको हम करेंगे डाउनलोड पे हमने क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम वापस जाएंगे वहाँ पर ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे करेंगे, डबल क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर ये प्रोफाइल फ़ोटो जो है आ गई। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को कवर फ़ोटो भी दिखाऊंगा किस तरीके से बनाएंगे हम। अगेन हम वहाँ जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया था जोन सा साइज मेंशन किया है उसी साइज़ के अंदर हमें काम करना है। अब यहाँ पर हम फ्री मार्केटिंग लिखा मैंने, अब चलिए ये वाला ले लेते हैं रैंडम सा, इसको हमने पिक किया, अगेन हमने सोशल मीडिया कंपनी, और नीचे जो लिखा हुआ है मैं उसको एज इट इज़ रहने दूंगा क्योंकि ये रेलिवेंट है, ठीक है। और अब सिंपली हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड किया, नीचे डाउनलोड हो रही है फाइल, थोड़ी सी हैवी है, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड होगी उसके बाद हम अगेन क्लिक करेंगे और जो हमने डिज़ाइन की थी वो रेडी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैनवा के अंदर कितना इजी है, कितना फास्ट हम लोग अपना काम कर सकते हैं। ऑलरेडी जो टेम्पलेट उसके अंदर दिए हैं बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत बढ़िया हैं और काफ़ी यूज़फुल भी हैं। तो अब दोस्तों देखिए कि ये एक
सिंपल सा पेज जो है वो डिज़ाइन हो गया है। आपके टैलेंट के ऊपर, आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इसको बना सकते हैं, बट मैं सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो में गाइड करूँगा कि ये चीज़ें हम इसके अंदर अप्लाई करके अपने एक पेज को बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर नीचे ऑलरेडी टैब्स दिए हैं, होम, अबाउट, फोटोज, वीडियोस, मोर। ये तभी हमारी एक्टिव होंगी जब हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हमें प्रीव्यू दे रहा है कि जब हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगी। लाइक की है, मैसेंजर की है, क्रिएट पोस्ट की है, फोटोज वीडियोस की है, टैग पीपल की है, चेक इन की है। तो मैं आपको जब सेव करूंगा तो इन ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मोबाइल का भी दिया हुआ है कि मोबाइल पे आप लोगों का जो वो पेज है वो किस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, ये मोबाइल की ऑप्शन है और ये डेस्कटॉप की है। अब हम सिंपली इसमें सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही सेव पे क्लिक किया हमने, उसने हमसे अब और डिटेल्स मांगनी शुरू कर दी। ठीक है, इससे पहले हमसे ये सिर्फ सिंपल एक पेज क्रिएशन की बात कर रहा था, अब वो बात कर रहा है हमसे कि इस पेज के ऊपर हम लोग कोई ऐसा नंबर देना चाहते हैं जिससे लोग हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें, मतलब हमारे पेज पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सके। कोई मैसेज करना हो या किसी को कोई चीज़ के बारे में डिस्कस करना हो, जैसे आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है गेट मोर मैसेजेस, शो पीपल योर नंबर, क्रिएट व्हाट्सएप एड्स, मतलब कि व्हाट्सएप एड्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अभी इस पे कोई नंबर देना नहीं चाहता, मैं डेमो के लिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या होगा जब हम नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद आपका जो भी वैलिड नंबर होगा या जो भी आपका कंट्री कोड होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप अपना नंबर डालेंगे, कंट्री कोड डालने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसके अंदर यहाँ पर साइड पे दिखाएगा वो। और जैसे हम सेंड कोड पे क्लिक करेंगे वो आपके उस नंबर के ऊपर एक कोड सेंड करेगा। जैसे ही कोड आप रिसीव करेंगे, आप उस ओटीपी को इसके अंदर डालेंगे, उस कोड को आप इसके अंदर डालेंगे और आपका वो नंबर आपके फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिलहाल वो नहीं करना चाहता तो मैं इसको लीव कर रहा हूँ। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारा जब पेज क्रिएट हो जाता है, जैसे ये देखिए पेज क्रिएट हो गया हमारा, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाएगा वो पेज को, जो जो हमने चेंजेस किए हैं, जो भी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करी हैं वो इस पेज के ऊपर दिखाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे को जो हम लोगों को पहले दिखा रहा था कि पेज पे होम, सर्विसेज, रिव्यू, शॉप, मोर के बटन्स जो हैं उनका क्या काम है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो जैसे अब सर्विसेज पे हम जब जाएंगे, अगर आपकी कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई सोशल मीडिया की कंपनी है या आपकी कोई कोई किसी टाइप का भी आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप अपनी सर्विस को ऐड कर सकते हो। जैसे सर्विस का नाम हमने दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया SEO। ठीक है, और मेरी जो सर्विस का फिक्स प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस है, वेरिएबल है, आस्क प्राइस है, मतलब कि आप सामने क्लाइंट्स को बोलना चाहते हैं कि वो कितना पे करना चाहते हैं, उनका क्या बजट है, कोई प्राइस नहीं है, फ्री है, या कस्टम पे हम क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक फिक्स प्राइस अपना इस कंपनी का या इस सर्विस का दे दिया। मेरी सर्विस का फिक्स प्राइस है मान लीजिए $10, $10 का मेरा एक फिक्स प्राइस है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसके लिख देंगे कि वो सर्विस में आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी बटन्स जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, शो सर्विस, अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन, कि आप अपनी उन सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं किसी को, उसकी क्या ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, देखिए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4, 6, कितने मिनट्स की हैं, एंड अप टू आप जो है ब्लॉक एक्स्ट्रा टाइम करना चाहते हैं वो भी आप इसके अंदर 15, 30 या 45 मिनट्स जो हम ब्लॉक कर सकते हैं। उस सर्विस से रिलेटेड अगर आप कोई फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, तो मान लीजिए यही फ़ोटो मैं अभी इसके अंदर डाल देता हूँ जो हमने अभी डिज़ाइन की थी, आप वो फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर बहुत इजीली। देखिए ये फ़ोटो इंसर्ट हो गई और आप इसको सिंपली सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे
आपकी वो सर्विस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई है। अब इसी तरीके से दोस्तों देखिए कि हम और भी बहुत सारी सर्विसेज को वन बाय वन करके इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, उसको प्राइसिंग दे सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग इमेजेस दे सकते हैं, अलग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो हम अपने लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत जल्दी एक बिजनेस पेज क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने क्लाइंट्स तक या अपने अपने जो भी हमारे आगे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और इसमें कोई भी खर्चा हमें नहीं करना पड़ रहा। देखिए इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फेसबुक हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें, आगे बढ़ा सकें और अपने क्लाइंट्स तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें और बिना किसी एक्सपेंसेस के, मतलब एक रुपया हम नहीं इन्वेस्ट कर रहे, हमारा पेज भी प्रमोट होगा। हाँ, प्रमोशन के जो हम पैसे देंगे वो अलग बात है, बट क्रिएशन मतलब मान लीजिए यही अगर आप एक वेबसाइट डोमेन लेंगे और वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, काफ़ी चीज़ें काफ़ी एलिमेंट्स उसके अंदर डालेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब काफ़ी लंबा और लेंदी प्रोसेस हो जाता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो अब देखिए यहाँ पर एक ये बटन बना हुआ है रिव्यू का, यहाँ पर सारे रिव्यूज़ जो हैं आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो बटन है शॉप का, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को इसके अंदर कि अगर आप अपनी एक शॉप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया। अब देखिए कि इसके अंदर इन्होंने दो ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया हमें, मैसेज टू बाय और दूसरा है चेकआउट ऑन अनदर वेबसाइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है आप उस पर चेकआउट कराना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से आप किसी और पेज के ऊपर ले जाना चाहते हैं, किसी और लैंडिंग पेज के ऊपर ले जाना चाहते हैं लोगों को, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ आप चाहते हैं कि कोई आपको मैसेज करे कि मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसके बारे में वो डिटेल मांगे, आपसे क्वेश्चन करे और अरेंज करे कि आप उसको कैसे वो प्रोडक्ट जो है उनके घर तक या उनके ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं, तो वो भी हम लोग बहुत इजीली इस पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये मैसेज टू बाय पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया और यहाँ पर रुपीज़ की ऑप्शन दे रहा है कि आपकी कौन सी कंट्री है, वहाँ पर क्या आपकी करेंसी चलती है, तो जैसे अभी इंडिया है तो इंडिया ही हम सेव करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाएगा वो जो पेज, अभी हम लोगों ने इस पेज पे कुछ काम नहीं किया, कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया, तो अभी आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेलकम टू योर शॉप और योर शॉप इज़ एम्प्टी और इसके अंदर प्रोडक्ट्स डालिए और आप यू आर गुड टू गो। ऐड प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे, सेम दोस्तों वही चीज़ हो गई कि ऐड फोटोज़, ऐड वीडियोज़। देखिए कितना ब्रॉड हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है इसके अंदर कि हम फोटोज़ भी डाल सकते हैं या हम लोगों ने कोई अपने प्रोडक्ट का वीडियो शूट करवाया हुआ है तो हम वीडियोस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मतलब इजीली अवेलेबल हो रही हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगेन वही फ़ोटो पिक कर रहा हूँ जो हम लोगों ने अभी डिज़ाइन की थी, फ़ोटो हमने पिक करी है और यूज़ फ़ोटो। ठीक है, अब यहाँ पर नाम दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है वो एक वॉच है, मान लीजिए आपने घड़ी जो है आप घड़ी बेच रहे हैं, उसका प्राइस है 5000, दिस प्रोडक्ट इज ऑन सेल। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सेल पे है। अब सेल प्राइस भी हम डिसाइड कर सकते हैं, मान लीजिए 5000 रुपए की अगर वॉच है और हम उसको सेल करना चाहते हैं 3500 की, तो सेल प्राइस हमारा ये हो गया, एक्चुअल प्राइस 5000 है बट 3500 रुपीस के हम दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अगेन उसके अंदर डालेंगे कि क्या ब्रांड है, क्या क्वालिटी है, किस तरह का मटेरियल है, स्ट्रैप्ड है या उसके ऊपर क्या डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर बता सकते हैं। और शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज, मतलब हम इसको अपने पेज पे भी ऑटोमेटिकली हमारे टाइमलाइन के ऊपर जैसे हम सेव करेंगे, ऐड करेंगे इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमारी टाइमलाइन पे चले जाएगा जैसे ही अप्रूव होगा। ये अप्रूवल के लिए ज़रूर जाएगी, हर एक चीज़ अप्रूव होगी फेसबुक की तरफ से, तभी ये चीज़ क्लाइंट्स को आप दिखा सकते हैं या विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो सकती है। अब पब्लिक है या अनपब्लिश्ड है, आप मान लीजिए आप लाइव काम कर रहे हैं तो आप पब्लिक पे भी रख सकते हैं उसको, अगर आपको लगता नहीं मेरे को अभी एकदम से पब्लिक नहीं करना, मैं अनपब्लिश पे ही रखना चाहता हूं, तो आप अनपब्लिश भी कर सकते हैं उसको। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि रिफर्बिश्ड है, यूज्ड है या किस कंडीशन में है, गुड फेयर या लाइक न्यू, मतलब कि बिल्कुल ब्रांड न्यू के उसमें ही है, तो ये भी आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं।
ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया। बट मैंने आपको बताया था कि वो रिव्यू के लिए ज़रूर जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर ऑफ़र, हम कोई ऑफ़र देना चाहते हैं इस पेज के ऊपर तो ऑफ़र भी हम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऑफ़र पे क्लिक किया, अब इसके अंदर क्या है, ऑफ़र आर फ्री टू क्रिएट, कस्टमर गेट रिमाइंडर्स, रीच बियॉन्ड योर ऑडियंस। ठीक है, इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई आप डिस्काउंट देना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ 20% ऑलरेडी है, मान लीजिए 20% नहीं, अब 10% देना चाहते हैं। जैसे ही 10 किया, यहाँ पर देखिए 10 हो गया, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट, शेयर और सेव भी कर सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन में अगेन हम जो भी डिस्क्रिप्शन देंगे वो हमारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद हम अपना जो भी फोटोज़ हैं इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो भी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर ऑलरेडी मेरी एक फ़ोटो डली हुई है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। एक्सपायरेशन डेट कि हाँ वो ऑफ़र जो है इतने दिन के लिए ही वैलिड है और इतने बजे तक ही वैलिड है। आप लोग चाहते हैं कि आपकी ऑफ़र जो है वो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए हो, इतने बजे आपकी ऑफ़र शुरू हो जाएगी और इतने बजे तक इसका टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेयर इज़ दिस ऑफ़र अवेलेबल, कहाँ पर वो ऑफ़र अवेलेबल होगी, वो स्टोर के अंदर अवेलेबल होगी, ऑनलाइन अवेलेबल होगी, किस जगह पर, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि पीपल कैन रिडीम दिस ऑफ़र एट योर स्टोर और बिजनेस। मतलब यहाँ पर अगर करेंगे तो आप उस पर टिक कर दीजिए, पीपल कैन रिडीम दिस ऑफ़र ऑनलाइन, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना URL देना पड़ेगा कि वो ऑफ़र कहाँ पर, उनको कौन सा लैंडिंग पेज है या कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर वो जाएंगे और वहाँ से वो ऑफ़र को रिडीम करेंगे। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये बटन्स की ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ सेव लिखा हुआ है, ऑलरेडी सेव देखिए सिलेक्टेड है। अब मैं जैसे शॉप नाउ पे करूँगा, शॉप नाउ हो गया, सेंड मैसेज पे करूँगा तो सेंड मैसेज हो गया। जिस बटन को भी आप सिलेक्ट करेंगे वो बटन आपका यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे आपकी ये ऑफ़र एनेबल हो जाएगी और जब वो अप्रूव हो जाएगी तो आपके जितने भी क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं उन लोगों को ये ऑफ़र दिखने लग जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली उनको जैसे ठीक लगेगा, फिजिबल या जोन सी ऑप्शन आप लोगों ने इसके अंदर एनेबल की होगी, उस ऑफर्स को वो देख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फोटोज जो मैंने आपको पहले बताया था, कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो, वो आप यहाँ से जा सकते हैं। वीडियोस, अगर आपने कोई वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया हुआ आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड, सिंपली अपलोड पे क्लिक करेंगे, आप उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी कोई इवेंट कर रही है, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, और आप चाहते हैं कि उस इवेंट पे आप लोग अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करना चाहते हैं वर्चुअली, या अगर जब फिजिकल लोकेशन पे आप लोग कर सकते होंगे तब आप फिजिकली भी बुला सकते हैं। तो इसमें देखिए कि दो तरीके का इन्होंने दिया हुआ है, ऑनलाइन वीडियो चैट, मैसेंजर रूम्स, ब्रॉडकास्ट विद फेसबुक लाइव एंड ऐड एन एक्सटर्नल लिंक। या तो आप ऑनलाइन के लिए आप लोग बुलाना चाहते हैं उस इवेंट पे, या इन पर्सन गेट टुगेदर स्पेसिफिक लोकेशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन पे क्लिक किया, ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद जर्नल है या क्लास है, मतलब कोई क्लास आप किसी चीज़ की क्लास लेना, एजुकेशन से रिलेटेड है या कोई क्लास लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, या कोई इवेंट जो है वो ऑडियंस के साथ आप लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारा पेज का जो फ्रंट पेज होगा वो यहाँ पर डिस्प्लेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इवेंट का नाम दे सकते हैं, मान लीजिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट इवेंट। ठीक है, डेट क्या है, 22 तारीख को, टाइम क्या है, मान लीजिए सुबह 11 बजे। ठीक है, लोकेशन आप डाल सकते हैं इसके अंदर, लोकेशन अगर आपको पता होगी लोकेशन आप डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन आपको अपने हिसाब से आप लिखेंगे क्या डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी क्या है, किस चीज़ के ऊपर आप लोग कर रहे हो। ठीक है, नेटवर्किंग के ऊपर कर रहे हो,
रिलीजन के ऊपर कर रहे हो, बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी दी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली जिस तरह का इवेंट आप कर रहे हैं उस इवेंट की यहाँ पर कैटेगरी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फेसबुक लाइव है, एक्सटर्नल लिंक है या अदर्स हैं। आप मान लीजिए फेसबुक लाइव पे कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप इनेबल कंट्री रिस्ट्रिक्शन। किसी कंट्री को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि हाँ इस कंट्री के लोगों तक हम मेरा जो इवेंट ना पहुँचे, मैं चाहता हूँ इंडिया के अंदर ही लोग इस इवेंट को देखें, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो इवेंट क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे इवेंट क्रिएट नहीं करना। उसके बाद अबाउट के अंदर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इन्फॉर्मेशन पूरी आप फिल करेंगे यहाँ पर। आप आपकी अगर कोई कंपनी की लोकेशन है तो आप लोकेशन एंटर करेंगे, बिजनेस आवर्स हैं तो बिजनेस आवर्स को डालेंगे, आपकी कोई प्राइस है कंपनी का कुछ, इसके अंदर कोई प्राइजिंग डाली हुई है तो वो आप डाल सकते हैं, वेबसाइट का नाम है तो वेबसाइट का नाम एंटर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं, मैसेंजर का कोई आपका वो है वो आप एंटर कर सकते हो अबाउट अस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप इस पेज के अंदर बहुत इजीली डाल सकते हो। जितनी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे उतना ही अच्छा आपके क्लाइंट्स के लिए होगा। उसके बाद जॉब्स, अब देखिए अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब है, अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं लोगों को, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर की एक मेरे पास जॉब है, लोकेशन मान लीजिए दिल्ली, दिल्ली इंडिया, फुल टाइम है। जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ भी लिख दिया अभी, ठीक है। मिनिमम सैलरी के अंदर मान लीजिए मैं 15,000 मिनिमम सैलरी है और मैक्सिमम सैलरी 30,000। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए इसके अंदर बूस्ट भी कर सकते हो। आप लोग चाहते हो इस पेज को बूस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ये पेज जो है देखें, और अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है और वो अप्लाई करेगा तो वो बहुत इजी अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पेज जो है वो विजिबल होगा। ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया कंपनी, कंपनी का नाम है, 15 से 30 हज़ार रुपये जो है वो। अब देखिए यहाँ पर आवर लिखा हुआ है, हमें पर आवर तो हम देंगे नहीं किसी को, तो ऑब्वियसली हम लोग अपना यहाँ पर जो सैलरी टाइप है वो है मंथली। जैसे हम मंथली करेंगे तो मंथ आएगा इधर। अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और जैसे ही पोस्ट करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा। और अभी हमें फिलहाल नहीं करना कुछ भी। टैब्स को एडिट कर सकते हो आप, भाई आपको कुछ टैब्स जो हैं वो नहीं चाहिए, शॉप का, सर्विस का, रिव्यू का, ऑफर का, आप इनको बंद करना चाहते हो, उसकी जगह आप कोई और टैब को वहाँ पर लगाना चाह रहे हो, तो ये टैब्स को भी आप अकॉर्डिंगली अपने ऑन ऑफ कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर एक साइड पे जो है ये काफ़ी डिटेल चीज़ें दी हुई हैं, तो इनका भी मैं आपको वन बाय वन यूज़ बताऊंगा। जैसे आप मान लीजिए मैसेजिंग, अगर आप इसके ऊपर कोई मैसेंजर की सर्विस जो है वो एनेबल करना चाहते हो और अपने वेबसाइट के अंदर उसको इंटेग्रेट करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वन बाय वन आप फॉलो करेंगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और ये वाला जो लिंक है वहाँ पर पेस्ट करेंगे। इस लिंक को कॉपी करके अपने जो HTML पेज है वहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप पेस्ट करोगे आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉर्नर पे एक फेसबुक मैसेंजर का साइन बना हुआ आएगा, आप वहाँ से जैसे ही किसी को मैसेज करोगे तो डायरेक्ट मैसेज आपके पास वो रिफ्लेक्ट होगा। पेज इन्फो के अंदर हम जाएंगे दोस्तों, देखिए पेज इन्फो के अंदर सोशल मीडिया कंपनी, जैसे अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर वो चेंज एक्सेप्ट करेगा तो वो ले लेगा, ग्रीन टिक यहाँ पर जैसे बना हुआ आया था, अगर वो चेंज नहीं एक्सेप्ट करेगा या वो नाम ऑलरेडी टेकन होगा तो यहाँ पर वो रेड होगा। यूज़र नेम डालना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल है। मतलब इन फ्यूचर अगर बाद में भी कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं या कोई कैटेगरी हम ऐड करते हैं तो वो भी हम बहुत इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर हम डालना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर हम डालना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं, वेबसाइट का नाम डालना चाहते हैं,
एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, सिटी अपडेट करना चाहते हैं, पिन कोड अपडेट करना चाहते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग इजीली कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए एडिशनल लोकेशन डिटेल जो है उसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कि फिजिकल लोकेशन एड्रेस है और ट्रैवल टू इट्स कस्टमर, मतलब कि ये कंपनी जो है मूव होती रहती है, अपने कस्टमर्स तक खुद जाती है, और बायो गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन। तो आप अकॉर्डिंगली वन बाय वन अपनी जैसे आपकी कंपनी की डिमांड है या जैसी आपकी कंपनी का नेचर है वैसे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। सर्विस एरिया हो गया, आवर्स हो गए, ऑलवेज ओपन है, परमानेंटली क्लोज्ड है, या ऑन सिलेक्टेड आवर्स ही आपकी कंपनी जो है रन करती है, तो ये चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं इधर से। जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो देखिए साइड पे आपके चेंजेस जो हैं वो सेव हो रहे हैं। टेम्परेरी सर्विस चेंजेस में आप कुछ अगर करना चाह रहे हैं कि टेम्परेरी अभी आपकी सर्विसेज जो हैं वो क्लोज्ड हैं, जैसे अभी बीच में कोविड की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो काफ़ी सर्विसेज जो थी वो क्लोज हो चुकी थी, तो आप उन ऑप्शंस को भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी है उसको पूरा डिटेल में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, क्यूआर कोड है, अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मोबाइल पे क्यूआर कोड भेज दें कि हमारे पेज के साथ कनेक्ट करें, तो आप क्यूआर कोड भी भेज सकते हैं। प्राइस रेंज जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइस रेंज भी आप कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी इसके अंदर ऑप्शन दोस्तों दी हुई है, ये देखिए अदर अकाउंट्स। अब आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, वो सारे अकाउंट्स को आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। देखिए कितनी सारी ऑप्शन दी हुई हैं, ट्विटर है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, ट्विच है, व्हाट्सएप है, लाइन है, वी चैट है, किक है, और आपका पिंटरेस्ट है, टम्बलर है, आस FM, ये देखिए इतनी सारी ऑप्शन, स्काइप, लिंक्डइन, गिटहब, ऑक्यूलस, इतनी सारी ऑप्शंस आप लोगों को उन्होंने अवेलेबल की हुई हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं इंस्टाग्राम के साथ साथ मेरे को ट्विटर भी चाहिए, प्लस पे क्लिक करेंगे, स्नैपचैट भी चाहिए, प्लस पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब भी चाहिए, प्लस पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप भी चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सर्विसेज को हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। अब अगर उन सर्विसेज का ऑलरेडी अकाउंट हमारा बना हुआ है तो हम अकाउंट को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके डालेंगे। जैसे हम अकाउंट को डालेंगे वो सेव होता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर इंस्टाग्राम का डाला वैसे ही हम बाकी सर्विसेज का अकाउंट डालेंगे, ट्विटर का जब डालेंगे तो ट्विटर का हम उस अकाउंट को डालेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर चेंजेस करते रहेंगे वो हमारा रिफ्लेक्ट करता रहेगा। अगर हम चाहते हैं किसी भी टाइम पे कोई भी सर्विस जो है वो हम लोग हटाना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, जैसे हम क्रॉस करेंगे वो सर्विस वहाँ से हट जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों देखिए मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, पेज इन्फो के बाद टेम्पलेट अगर हम चेंज करना चाहते हैं, अगर हमारा जो करंट टेम्पलेट है उस सर्विसेज का उसकी जगह हम कोई और टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारी शॉपिंग है, शॉपिंग से रिलेटेड देखिए टेम्पलेट दिखा दिया, इसके अंदर अलग अलग टैब्स आएंगे, इवेंट, रिव्यू, फोटो, शॉप। अगर हमारा कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेस का टेम्पलेट अलग आएगा, उसकी नीचे ऑप्शंस अलग दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद वेन्यू है, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है हमारी तो उससे रिलेटेड नीचे सारे टैब्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई एनजीओ चला रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो टेम्पलेट अलग हो जाएगा, टैब्स डिफरेंट हो जाएंगे। पॉलिटिशियन है, मतलब पॉलिटिकल कोई आप लोग पेज रन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा, सारी डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक फिगर हो आप, कोई सेलिब्रिटी हो तो आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हो। आप कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, देखिए इसके अंदर डायरेक्शंस की भी एक बटन ऐड हो गया कि आप बताना चाह रहे हैं कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ इस डायरेक्शन में, इस लोकेशन में आपका है, तो वहाँ पर वो लोग आके इंजॉय कर सकते हैं। जैसे ऑफर्स अगर आप देना चाहते हो, रिव्यूज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, मोर ऑप्शंस, मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं इसके अंदर। और अगर आपका कोई वीडियो पेज है, मतलब कि आप सिर्फ इसके अंदर वीडियो या कोई लाइव अपना जो भी आप सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपके आपको पर्टिकुलरली वीडियो पेज भी दिया जाएगा। उसके अंदर बटन ऑन टूल बार, फॉलो, लाइक, शेयर, सेव, लाइव, वीडियो, ग्रुप, इवेंट,
काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज होगी कि मतलब आप लाइव जाना चाहते हो तो अब लाइव बटन भी आप लोगों को उन्होंने टेम्पलेट के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड पेज, स्टैंडर्ड पेज के अंदर जो बेसिक बटन्स बने हुए हैं ग्रुप, इवेंट, रिव्यू, वीडियो, मोर, ये सारे बटन स्टैंडर्ड के अंदर आपके आ जाएंगे। तो फिलहाल हमें अभी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने क्योंकि रिकमेंडेड जो है वो सर्विस और शॉपिंग का ही है क्योंकि इससे रिलेटेड ही हम लोगों ने उसके अंदर ऑप्शंस डाली हुई है, मतलब सर्विसेज दे रहे हैं या शॉपिंग कर, हम लोग शॉपिंग से रिलेटेड हम लोगों ने क्रिएट किया था तो अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के अंदर आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन के अंदर आप नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंगली आप उसको ट्विक कर सकते हो कि देखिए जैसे इसके अंदर रियल टाइम मतलब हर बार आपको नोटिफिकेशन जो है वो इमीडिएटली आ जाएगा या आपको स्पेसिफिक टाइम देना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे ही नोटिफिकेशन आए तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अंदर देखिए नीचे वाली मैंने ऑप्शन सिलेक्ट करी है तो उसने बोला 12 से 24 घंटे के अंदर जो भी आपके नोटिफिकेशन होंगे वो एक ही बारी में आपको दिखाएगा, नॉट वन बाय वन। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास है। उसके नीचे देखिए बहुत सारी चीज़ों को हम बंद कर सकते हैं, अलाओ ईमेल नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं, एसएमएस को बंद करना चाहते हैं, न्यू एसएमएस को, मतलब सारी चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में ही है। न्यू लाइक्स आप बंद करना चाह रहे हो कि मेरे को लाइक्स नहीं देखने किसी के भी, या सब्सक्राइब टू इवेंट नहीं देखना, मतलब सारी चीज़ों को आप वन बाय वन करके ऑन ऑफ कर सकते हो और जैसे आप ऑन करते रहोगे वो ऑटोमेटिकली आपका सेव होता रहेगा जो भी आप ऑप्शंस उसके अंदर सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये हो गया पेज नोटिफिकेशन से रिलेटेड। इसके बाद जो है एडवांस मैसेजिंग के अंदर जब हम जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने मैसेंजर को जो है वो आप इनेबल कर सकते हो और उस मैसेंजर को जो कॉन्फ़िगर करेंगे आप अपनी वेबसाइट के साथ, और अगर मान लीजिए आपका कोई वेब पेज है तो उस वेब पेज के ऊपर वो मैसेंजर जो है आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा और वहाँ से भी डायरेक्ट अगर कोई आपको मैसेज करना चाहता है तो वो मैसेज आपका डायरेक्ट इधर आएगा। ठीक है, तो ये एडवांस मैसेजिंग की ऑप्शन भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। अब पेज रोल, अगर आप मान लीजिए इस पेज पे किसी को कोई रोल देना चाहते हो, जैसे अभी मेरा एक अकाउंट है तो उसमें मैं एडमिन हूँ, तो आप किसी और को भी एडमिन या एडिटर या मॉडरेटर या एडवर्टाइज़र या एनालिस्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसका नाम या ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे ही आप नाम ईमेल एड्रेस डालेंगे उसके बाद यहाँ पर ऐड की ऑप्शन इनेबल हो जाएगी, वो ऐड होगा और ऐड करने के बाद आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो अदर पर्सन का ईमेल है या नाम है उनको इसका मैसेज जाएगा और वो एक्सेप्ट करेंगे तभी ये पेज रोल यहाँ पर असाइन हो जाएगा, मतलब कि एक और यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो भी आप लोगों ने ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट की होगी। उसके बाद हम जाएंगे पीपल एंड अदर पेजेस। इसके अंदर क्या है कि पीपल हु लाइक दिस पेज, मतलब इसके अंदर भी काफ़ी सारी ऑप्शन है। अगर कोई हम पेज को लिंक करना चाहते हैं कि पीपल हु फॉलो दिस पेज, पेज डैट लाइक दिस पेज, बैन पीपल एंड पेजेस, मतलब अगर कोई लोगों को हम बैन करना चाहते हैं कि हमारे इस पेज वाले जो लोग हैं हमारे इस पे कमेंट ना करें या हमारे पेज को ना देखें तो वो भी हम कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस दी हुई हैं और उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके और हम काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं पीपल एंड अदर पेजेस के अंदर। उसके बाद प्रेफर्ड पेज ऑडियंस। अब देखिए इसके अंदर ये जो है इशू इलेक्ट्रोलर, ये ऑप्शन जो है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे पेजेस जो हैं वो चलते हैं। तो हर कंपनी का अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है, फेसबुक का भी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है कि कोई भी पॉलिटिकल पेज अगर बनेगा तो उसका बहुत स्ट्रिक्टली रिव्यू किया जाता है और रिव्यू करने के साथ साथ आप लोगों की बहुत पर्सनल डिटेल्स जो हैं उसके अंदर मांगी जाती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर किसी के लिए या कोई आपको अगर इन्फ्लुएंस करके बनवाना चाह रहा है आपके अकाउंट पे कोई पॉलिटिकल या इलेक्शन का पेज, तो मेक श्योर कि आपके वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी पर्सन हो या ट्रस्टवर्दी ग्रुप हो, तभी आप इस चीज़ को हैंडल कीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको बस ये कहूँगा कि आप अगर पर्सनल काम कर रहे हैं तो आप पर्सनली रहिएगा और ज़्यादा डिटेल में ना जाइएगा। उसके बाद ब्रांड एंड कंटेंट, ब्रांडेड कंटेंट जो है अगर आपके पास है कोई तो आप उसको करना चाह रहे हो तो आपको डायरेक्ट क्रिएटर स्टूडियो की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, मान लो आप अगर कोई आपकी पोस्ट है आप पोस्ट को क्रिएट करना चाहते हो या कोई प्रोडक्ट है जिसको आप क्रिएट करना चाहते हो
उसके ऊपर आप देखिए दो ऑप्शन दिए हैं, इंस्टाग्राम की भी और फेसबुक की भी। आप स्विच कर सकते हैं कि आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट यूज़ करना है अगर कनेक्टेड है, या फेसबुक पे ही काम करना है। तो इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है, नोटिफिकेशन है, प्री पब्लिश्ड है, उसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, वीडियो, लाइव वीडियो, फोटो, लिंक, टेक्स्ट। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप उस पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने क्रिएट कर दी तो पोस्ट इमीडिएटली चले जाएगी। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं उस पोस्ट को, आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप अपनी पोस्ट, फोटो, वीडियो, या आप लाइव जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइव भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं हमें इसके अंदर दी हुई हैं। मोनेटाइजेशन, जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा तो आपकी मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिखाएगा कि आपका पेज जो है एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। आपके इस पर एड्स चल सकती हैं, काफ़ी कुछ मतलब ऑप्शंस जो हैं वो आपकी इसके अंदर ऑन हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे इंस्टाग्राम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंस्टाग्राम के बारे में, कि इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो हम लिंक कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाके हम अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का अकाउंट हो गया, व्हाट्सएप में भी दो अकाउंट्स दिए हैं, एक व्हाट्सएप नॉर्मल और एक व्हाट्सएप बिजनेस। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप उसका नंबर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नॉर्मल व्हाट्सएप है तो आप उस व्हाट्सएप का भी डाल सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि मतलब लोग आपको मैसेजेस कर सकते हैं और लोगों तक आपका नंबर भी पहुंचेगा, और आप उस व्हाट्सएप के ऊपर भी अपनी ऐड को जो है प्लेस कर सकते हैं, मतलब फेसबुक के थ्रू ही। उसके बाद देखिए अब ये फीचर्ड का एक बटन दिया हुआ है, और क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस पोस्टिंग में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई और पेज पे आप अपनी पोस्ट को पोस्ट करना चाहते हैं, और जो पेज है वो किसी और का है और उसने आप लोगों को परमिशन दी है क्रॉस पोस्टिंग करने के लिए, या उनके पेज की पोस्ट आप अपने पेज पे दिखाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर नाम या फेसबुक यूआरएल जो है वो डालना पड़ेगा। तो आप क्रॉस पोस्टिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखिए अगर कोई वायलेशन है वो आपका कुछ आता है, मान लीजिए आपके पेज पे कुछ गलत कंटेंट आपसे डल गया हो, उसको आपने पेज को वायलेट कर दिया हो, तो उसको देखने के लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये पेज सपोर्ट इनबॉक्स है, इसके अंदर जाके ही अपने डिस्प्यूट्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। यहीं से आप लोग अपने डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं फेसबुक के साथ और आगे बढ़ सकते हैं। पेमेंट्स की ऑप्शन है यहाँ पर, पेमेंट्स अगर आप लोगों का कोई ऐड अकाउंट है तो आप उसकी भी करेंसी सिलेक्ट करके यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, इसके अंदर जो भी पेज के अंदर आप लोगों ने काम किया होगा उससे रिलेटेड सारी हिस्ट्री आपको दिखाएगा। एक्टिविटीज़ लॉग बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर जो जो हमने चेंजेस किए हैं अभी तक जिस जिस सेक्शन के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज़ के लॉग जो है वहाँ यहाँ पर क्रिएट कर रहा है और हमें वन बाय वन दिखा रहा है। हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने अगर कोई गलत चीज़ डाली है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कब डाली थी और कैसे डाली थी या किसने डाली थी। फ़ोटोज़ में जाएंगे तो फ़ोटोज़ के बारे में डिटेल देगा, वीडियोज़ हो गया, स्पैम हो गया, पोस्ट हो गया, कमेंट्स हो गया, अदर्स, नोट्स, इवेंट्स, ग्रुप्स, अदर रिकॉर्ड्स। तो सारा का सारा जो है हमारा जितना काम हम लोगों ने किया था अभी तक, जैसे जुलाई 2021 का दिखा रहा है, ऐसे ही हम पुराना अगर हमारा पेज होगा, हमारे पुराने रिकॉर्ड्स भी इसके अंदर शो करेगा वो। अब उसके बाद मैं आप लोगों को एक सेटिंग्स करनी सिखाऊंगा कि इस पेज के अंदर हम किस तरीके से, जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अब देखिए वन बाय वन यहाँ पर साइड पे ये सेटिंग्स का जो है नाम दिया हुआ है। जैसे पेज विजिबिलिटी सबसे पहला है, पेज विजिबिलिटी में जैसे हम जाएंगे और यहाँ पर दिखाएगा कि पेज पब्लिश्ड है, पेज अनपब्लिश्ड है, तो यहाँ पर जैसे हम चेंज करेंगे वो हमसे सेव के लिए पूछेगा। अगली जो ऑप्शन है वो है विजिटर पोस्ट, विजिटर पोस्ट के अंदर हम जाएंगे, आपको दिखाएगा ऑल विजिटर टू द पेज टू पब्लिश पोस्ट, अलाउ फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को हम इनेबल करना चाहते हैं वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल, मतलब कि कोई और हमारी जो है पेज के ऊपर जो है पोस्ट ना कर सके, उसको भी हम डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ फीड के अंदर हम जाएंगे, अलाउ न्यूज़ फीड ऑडियंस सिलेक्शन पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शन फॉर दिस पेज,
हम चाहते हैं कि कोई न्यूज़ फीड अगर आए तो वो भी हम लोग यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ऑटो जनरेट कैप्शन फॉर अपलोडेड वीडियोज़, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि जैसे मान लीजिए हम हिंदी के अंदर अगर आप वीडियो बना रहे हैं और हमारी ऑडियंस जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर दे कैप्शंस अकॉर्डिंग टू फेसबुक, अपना सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसको जो समझ आएगा वो दिखाएगा, उसके ऊपर कोई गलती भी होगी तो वो ठीक नहीं करेगा, या हम लोग अपनी कोई स्क्रिप्ट है वो डालना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अंदर डाल के उसको इनेबल कर सकते हैं। और अगली ऑप्शन जो है पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग, मतलब कि हमारी जो स्टोरी है उसको कोई और शेयर कर सकता है, तो ये भी हम लोग वन बाय वन चेक और अनचेक कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि अलाउ पीपल टू शेयर योर पेज पोस्ट एंड इवेंट, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पेज और पोस्ट के इवेंट्स को जो है लोग शेयर ना करें, तो हम उसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से बहुत ईजिली। टैगिंग एबिलिटी अगर ऑन करना चाहते हैं कि हम टैग करना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया कंपनी के साथ किसी और को, तो हम वो भी टैगिंग इनेबल कर सकते हैं। अदर टैगिंग्स जो हैं उसके अंदर भी सेम ऐसी ही ऑप्शन है। कंट्री रिस्ट्रिक्शन के अंदर मान लीजिए हम चाहते हैं हमारा पेज जो है पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर ना डिस्प्ले हो, मान लीजिए कोई भी कंट्री होगी, एक्स वाई जेड कंट्री है, मान लीजिए पाकिस्तान, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी हो गई USA हो गई या कोई भी कंट्री होगी, जैसे जैसे हम कंट्री को नेपाल हो गई, मान लीजिए नेपाल है, हम चाहते हैं कि नेपाल में ना दिखाया जाए, तो जिन जिन कंट्रीज़ को हम इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे वो कंट्रीज़ का नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर चाहते हैं कि इसी कंट्री के अंदर हमारा जो है कंटेंट डिस्प्ले हो, तो हम ओनली पे करेंगे तो सिर्फ नेपाल के अंदर ही दिखाएगा, बट हाइड पे हम लोग क्लिक करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि सारी कंट्रीज़ हमारे लिए बराबर ही हैं, तो हम लोग कोशिश करें कि सब लोग हमारा कंटेंट देखें जब तक कि हमारा कंटेंट कोई गलत चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर अच्छी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कोई भी कंट्री हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट आपका जो भी कंटेंट है उसकी एज रिस्ट्रिक्शन क्या है। मान लीजिए आप टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं या एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं या जिस तरह का भी आपका जो पेज है अल्कोहल रिलेटेड अगर आप डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी देखिए कितनी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं फेसबुक ने लगा दिए हैं। अगर हम सेव करेंगे, अगर पॉलिसी वायलेट होगी तो पेज हमारा डिलीट भी हो सकता है या बंद भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए हमें पब्लिक पर रखना है और कोशिश करना है ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमें प्रॉब्लम हो। पेज मॉडरेशन, कोई वर्ड्स हैं ऐसे जो आप लोग रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कोई गाली हो या कोई स्वेयर वर्ड्स हो जिनको आप चाहते हैं कि लोग काफ़ी यूज़ करते हैं वो आपकी उसके ऊपर ना दिखाएं, तो आप मतलब कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने बैड लिखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वर्स लिखा है, ठीक है, जैसे जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ पर वो ऐड उतरेगा, या आपकी कोई .csv फाइल बनी हुई है जिसके अंदर आपने उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि ये वर्ड्स जो हैं हमारी पेज के ऊपर कभी भी कोई इस तरह का कोई वर्ड यूज़ करता है या फ्रेज यूज़ करता है या कोई इस तरह की इमोजी जो है वो डालने की कोशिश करता है तो हमारे पेज पे कभी भी रिफ्लेक्ट ना हो, तो हम लोग ये वाली ऑप्शन का भी यूज़ करके बहुत बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर का यूज़ करना चाहते हैं, प्रोफेनिटी फ़िल्टर, वही मैंने आपको जो बताया था कि मतलब कोई ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स हैं जो आप लोगों को ऑफेंसिव लग सकते हैं, तो वो भी आप लोग इसका फ़िल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। सिमिलर सजेशंस, मतलब अगर आपकी कंपनी से सिमिलर कोई और पेज है या कोई और टाइमलाइन चल रही है तो उसके सजेशंस भी आपकी कंपनी के या आपके सजेशंस किसी और उसके ऊपर सिमिलर उस पर डिस्प्ले हों। पेज अपडेट होगी, ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा पेज को। एबिलिटी टू राइट इन अदर लैंग्वेजेस, मतलब कोशिश करेगा कि आपके जो आपका कंटेंट है उसको ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज के अंदर वो दिखाए, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कमेंट रैंकिंग हो जाएगी कि कौन सा कमेंट जो है वो आपका रेलिवेंट कमेंट है वो सबसे टॉप पे आपके पेज पे शो करेगा। डाउनलोडिंग अलाउ करना चाहते हो यानी करना आप प्रोहिबिट करना चाहते हो कि आपके पेज से कुछ भी कोई भी चीज़ डाउनलोड ना कर सके, तो वो भी आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन को आप चेक कर दें तो वो बिल्कुल भी आपके पेज से कोई भी वीडियो कोई भी चीज़ को डाउनलोड नहीं कर सकता, बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद डाउनलोड पेज, गेट अ कॉपी ऑफ योर पेज पोस्ट फोटो वीडियो एंड पेज इन्फो, अगर आप कोई भी अपने पेज की कोई भी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको सिंपली क्लिक करेंगे
तो वो इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर देखिए बहुत सारी ऑप्शन है, पोस्ट है, पेजेस हैं, पोल्स हैं, इवेंट्स हैं, कमेंट रिस्ट्रिक्शन हैं, सॉरी कमेंट रिएक्शंस हैं, स्टोरीज हैं, शॉप है, फंड रेजर ग्रुप, अदर एक्टिविटीज़, तो एंड नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डाउनलोड वेरी इजीली। बहुत अच्छे से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। अगर कोई आपके डुप्लीकेट पेज ऑलरेडी चल रहा है और आप उसको मर्ज करना चाहते हो तो डुप्लीकेट पेज को आप मर्ज कर सकते हो। कोई भी पेज सिमिलर पेज है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पेज बना लिया या किसी और सिमिलर सर्विसेज का पेज बना लिया, आप चाहते हो कि उस पेज को मर्ज करें और उस पेज को आप डिस्प्ले करें, तो वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। फाइनली अगर आप चाहते हैं कि बस हो गया यार और नहीं, मैं इस पेज को डिलीट करना चाहता हूँ, ये पेज मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप सिंपली परमानेंटली डिलीट पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो देखिए कि इसके अंदर कितनी सारी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद उन ऑप्शंस के अलावा आप लोग देखेंगे आपके टॉप पे यहाँ पर होम बटन, फ्रेंड्स, वॉच, मार्केट प्लेस और ग्रुप्स है। जैसे आप होम पे जाएंगे तो जो भी आपका होम पेज पे काफ़ी सारी चीज़ें वो दूसरे ग्रुप्स की भी दिखाएगा, वो आपको शो करने लग जाएंगे यहाँ पर। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स के ऊपर तो फ्रेंड सजेशन आपको दिखाएगा। अगर आप इसमें से कोई फ्रेंड्स को चूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये इनको मैं अपने उसके अंदर ऐड एज अ फ्रेंड करूं, तो वो भी आप लोग कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। ये रैंडम होंगे, कोई आपको जानने वाला इसमें से कोई नहीं होगा। आप बस ये है कि सजेशंस में से या किसी ने पेज को लाइक करा तो वो आपको यहाँ पर फ्रेंड सजेशन के अंदर दिखाएगा। और अगर आपके कोई रियल फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको आप जानते हो तो उनके बारे में भी आप इसमें चेक कर सकते हैं और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वॉच होगी, इसके अंदर जो भी किसी और ने डाला होगा कोई कंटेंट, अगर आप लोगों ने यहाँ पर एनेबल किया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट प्लेस के अंदर और बाकी लोग क्या बेच रहे हैं, किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है या क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं, तो ये भी जैसे मैंने आपको वॉचेस का कहा था, सेलफोन्स का कहा था, ये देखिए इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं। उसके बाद देखिए ये ग्रुप्स हैं, जो उनसे ग्रुप्स को आप फॉलो कर रहे होंगे या जिन ग्रुप्स के साथ आपकी एसोसिएशन है, आप लोग उन ग्रुप्स को देख सकते हैं डायरेक्टली इधर से। उसके बाद आपका ये मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे के बाद देखिए कैंपस, इवेंट्स, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, न्यू फीड्स, पेजेस, गेमिंग वीडियोस, प्ले गेम्स, मतलब अगर आप गेम्स ऑनलाइन प्ले करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वॉच कुछ आप देखना चाहते हैं, या मार्केट प्लेस, ऑफर्स, रीसेंट एक्टिविटीज़, मेमरीज, सेव्ड, वेदर, एड मैनेजर, क्रिएटर स्टूडियो, बिजनेस सूट, जॉब्स, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसमें। कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी कुछ दिया हुआ है, ये सब चीज़ों को आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं स्टोरी होगी, कोई रूम क्रिएट करना चाहते हैं, कोई पेज क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रुप, इवेंट, मार्केट प्लेस लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस उन्होंने ऑलरेडी दी हुई हैं। तो वन बाय वन आप इनको एक्सप्लोर करके आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ों को आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसके लिए मैसेंजर की ऑप्शन है, मैसेंजर में जिन लोगों ने आपको मैसेजेस किए होंगे वो आपको शो करेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पे आप जाके चेक कर सकते हैं किसने आपको नोटिफाई किया है, और सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसके अंदर भी चेंजेस आप कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर, डिस्प्ले एक्सेसिबिलिटी, मतलब डार्क मोड का भी आप यूज़ करके, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये डार्क मोड पे स्विच हो गया, तो अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर दीजिए। कॉम्पैक्ट मोड पे करेंगे थोड़ा सा जो है वो आइकन्स छोटे हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे, ये देखिए थोड़े से छोटे हो गए, ये ऑन किया मैंने, ये ऑफ़ किया, तो ये वाली ऑप्शन भी बहुत अच्छी इसके अंदर अवेलेबल है। अब दोस्तों देखिए कि ये तो एक पूरा कंप्लीट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से हम अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हैं और उस पेज के अंदर किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इस पेज के अंदर आप बनने के बाद भी चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपली आप एडिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप चूज़ फोटो पर जाएंगे तो अगर आप कोई फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये चेंज करी तो ये फ़ोटो चेंज हो गई,
पोजीशनिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आप साइड पे करना, डिफरेंट पोजीशन पे इस फोटो को ले जाना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। जैसे हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। उसके बाद आप ये देखिए, इसके अंदर एक ऑप्शन और भी बहुत अच्छी है कि अगर आप स्लाइड शो क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऐड पे क्लिक करो, चूज़ फोटो करो, ये मैंने क्लिक कर लिया और मैंने सेव कर दिया तो मेरा एक स्लाइड शो बन गया। ये देखिए इस तरीके से स्लाइड शो बन जाएगा। उसके अपलोड करना चाहते हो, अगर आप अपने सिस्टम से कुछ अपलोड करना चाहते हो, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे। रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव भी कर सकते हो उसको, सिंपली आपने रिमूव पे क्लिक किया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसको सेव करेंगे तो दोबारा ये आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो यहाँ पर ये प्रोफाइल पिक्चर है, इसके अंदर भी ऑप्शंस दी हुई हैं व्यू फोटो करके। अगर हम कोई और फोटो हमारे पास है, हम देखना चाहते हैं कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर कैसी लग रही है, तो वो भी हम लोग यहाँ से व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी वो दिख रही है लोगों को। और अगर हम एडिट प्रोफाइल पिक्चर पे जाएंगे तो सेम ऑप्शंस हमें देगा कि हम अगर हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर कुछ अपलोडेड है तो उसका यूज़ करके उसको हम सेव कर सकते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, ये देखिए। ठीक है, अगर हम वापस चाहते हैं कि नहीं हमें वही अच्छी लग रही थी तो हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो वापस वो ले जाएगा हमें वहाँ पर। दोस्तों ये तो सारा पेज का हो गया, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू और देना चाहता हूँ, वो है बिजनेस ऐप का। ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर एक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बिजनेस ऐप्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन भी बहुत अच्छी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, बिजनेस सूट पे क्लिक करूँगा और ये हमारा बिजनेस सूट ओपन हो गया। बिजनेस सूट के अंदर भी हम लोगों के पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्रिएट पोस्ट करना चाहते हैं बिजनेस सूट के अंदर तो वो भी हम कर सकते हैं, शेड्यूल करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। बिजनेस सूट तभी होगा जब आपका मेन पेज जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद अगर आप कोई पेज क्रिएट करते हैं वो भी वेरीफाई हो जाएगा, तभी आपको बिजनेस सूट की ऑप्शन दी जाएगी। तो इसके अंदर देखिए ये इंस्टाग्राम फीड्स का जो है ऑप्शन, अगर इंस्टाग्राम का हमारा अकाउंट कनेक्टेड होता तो हमें इंस्टाग्राम के बारे में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आती, कोई भी वीडियो कोई भी फोटो कोई भी किसी चीज़ को भी हम यहाँ पर डालते तो वो हमारा इमीडिएटली यहाँ पर शो करता। उसके बाद नोटिफिकेशन का आपको यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन का दिया हुआ है, कोई भी हमें नोटिफिकेशन आएगा तो हम यहाँ पर उसको ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद इनबॉक्स है आपका, इनबॉक्स की ऑप्शन, इनबॉक्स के अंदर कोई भी मैसेजेस होंगे वो आपके यहाँ पर शो करेगा, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम डायरेक्ट हो गया, फेसबुक कमेंट हो गया, इंस्टाग्राम कमेंट्स हो गए, ईमेल हो गया, चैट प्लगइन्स हो गए, तो बहुत सारी ऑप्शंस हमें दी हुई हैं। पोस्ट एंड स्टोरीज, ठीक है, पोस्ट एंड स्टोरीज के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर हमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं कि पोस्ट और स्टोरीज क्या क्या हमारी। ये देखिए ऑलरेडी जो पोस्ट डली हुई हैं उनको अगर हम बूस्ट भी करना चाहते हैं तो हम उसको बूस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी हमसे पूछेगा कि हमारी ऑडियंस क्या है, हम लोग कहाँ चाहते हैं। ये एक कैंपेन क्रिएट करने की एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर हम चाहते हैं कैंपेन क्रिएट करना और उस पोस्ट को बूस्ट करना तो हम उसको भी बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अभी हम बंद कर देंगे क्योंकि हमें अभी ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैलेंडर के अंदर जाके हम लोग अपनी डेट्स मार्क कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें हम लोग अपनी अपने पेज को पोस्ट जो है नई डालना चाहते हैं और हम लोग रिमाइंडर चाहते हैं कि ये रिमाइंडर्स हम लोगों को बता दे। वो एड्स होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई एड्स अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको सिंपली यहाँ से जाके हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एड्स के जो गोल्स हैं हमें दिखाएगा कि लीड्स के लिए चाहिए, मैसेजेस के लिए चाहिए, प्रमोट करना चाहते हैं पेज को, बूस्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट विजिटर्स चाहते हैं, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटिक एड्स चाहते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों को। इनसाइट अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा पेज किस तरीके से काम कर रहा है हम उसका इनसाइट देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाके हम इनसाइट भी देख सकते हैं। मोर टूल्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो मोर टूल्स के अंदर देखिए ऐड अकाउंट सेटिंग्स, एड्स मैनेजर, एड्स रिपोर्टिंग, अपॉइंटमेंट, ऑडियंस, बिलिंग, बिजनेस ऐप, बिजनेस सेटिंग, इवेंट्स, इंस्टेंट फॉर्म्स, पेज सेटिंग, सर्विसेज, व्यू पेज, तो बहुत बड़ी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हम लोगों को दी हुई हैं जिसका हम लोग यूटिलाइज करके आगे काम कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर देखिए, सेटिंग्स के अंदर अगर हम कोई सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का कनेक्शन चेंज करना चाहते हैं या दूसरे अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं, पेज सेटिंग्स के अंदर जाके हम लोग अगर कोई पेज के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था,
तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोगों को खुद भी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। वो सेम हमें उसी पेज पे ले आया जिस पेज पे हम लोगों ने अभी काम किया था। तो ये एक काफ़ी वाइड और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया हुआ है फेसबुक ने, जिसको जिसको हम इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ डिफरेंटली कर सकते हैं, अपनी कंपनी को चला सकते हैं, और हम चाहें तो मतलब इस ऑप्शन का यूज़ करके अपने बिजनेस को रातों रात ग्रो कर सकते हैं। मतलब देखिए आपको ये कितनी सारी ऑप्शंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड की गई हैं, और फेसबुक चाहता है कि हम लोग उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करें, जितने से जितना हम उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा और फेसबुक का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। आप देखिए बिना वेबसाइट को क्रिएट किए, बिना कुछ करे हम लोगों ने कितनी जल्दी, कुछ ही देर में, मतलब कुछ ही घंटों में, मतलब एक घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने एक पूरा पेज के बारे में अंडरस्टैंड किया कि पेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपना यूज़र नेम भी क्रिएट करना चाहते हैं, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं था कि यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए आप अपना यूज़र नेम यहाँ जैसे ही डालेंगे, अगर वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। जैसे मतलब मैंने तो जिब्रिश डाला था, तो यहाँ पर वो उन्होंने दिखा दिया यूज़र नेम अवेलेबल है। अगर आप अपना यूज़र नेम डालना चाहते हैं तो यूज़र नेम डाल के आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन इन्होंने दी हुई है। तो इस तरीके से देखिए आपका पेज सेटअप हो गया और कितना ईजिली हम लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइव इवेंट, जॉब्स, ऑफर, एड्स, ऑलरेडी यहाँ पर बटन्स जो है हम लोगों को दिए हैं, इन बटन्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इवेंट्स करना चाह रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, ऑफर्स के लिए जाना चाहते हैं, एड्स के लिए जाना चाहते हैं, लाइव कुछ करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की ऑप्शंस जो है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और एक ही पेज के अंदर देखिए बिजनेस सूट भी हम लोगों को दे दिया, इनबॉक्स भी दे दिया, पब्लिशिंग टूल्स भी हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, हम एड्स रन करना चाहते हैं तो हम एड्स भी रन कर सकते हैं, कितना कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, और हम चाहें तो दोस्तों इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और माफ़ी चाहता हूं अगर मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लिया हो, बट ये टॉपिक था ही इतना बड़ा, और बड़ा होने के कारण इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को कवर करनी पड़ी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी लाता रहूँ, और अगर आप लोगों को कुछ भी इससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन करना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत, मेरा काम अच्छा लगा हो, तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम निकाल के और मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता हूँ, और जितने भी मेरे नए यूज़र, मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए उनको थैंक यू कहता हूँ, और जो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी नए बच्चों को, काफ़ी नए लोगों को, काफ़ी नए दोस्तों को जो है हेल्प करने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को देख के सीखें और समझें और बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ताकि वो अपना पैसा बचा सके, अपना टाइम बचा सके, और ये डिसाइड कर सके कि हाँ ये चीज़ उन लोगों के लिए बनी है या नहीं बनी। तो दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक सीक्वेंस, और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से और भी नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया था इसमें कैनवा का यूज़ कैसे किया है मैंने आपको दिखाया था, डिटेल में आने वाले वीडियोस में कैनवा की भी डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको कुछ ऐड कैंपेन्स नए बनाने सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ऐड कैंपेन्स को बना सकते हैं या किस तरीके से हम अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक सीक्वेंस।